रीवा के त्योथर में भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी का क्षेत्र में जनसंपर्क जोरों शोरों पर। क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव पहुंचकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने मतदाताओं से मांगा जा रहा आशीर्वाद। इसी कड़ी में आज सिद्धार्थ तिवारी द्वारा ग्राम पंचायत सोनौरी और चाकघाट बाजार में व्यापारियों एवं क्षेत्रीय जनता जनार्दन के बीच किया गया जनसंपर्क। मीडिया से रूबरू होते हुए सिद्धार्थ तिवारी द्वारा कहा गया कि इस बार बीजेपी 70,000 से अधिक मत पाकर भारी बहुमत से विजयी होने वाली है। इसके साथ ही अपने चुनावी मुद्दों से भी अवगत कराया है। बीजेपी इस बार 2023 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत जीतने जा रही है। कुछ सामाजिक समीकरण ऐसे हैं और कुछ राजनीतिक समीकरण ऐसे हैं और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली बहना जैसी योजनाएं हमें प्रचंड बहुमत से त्योथर सीट जितवाएंगी। इतिहास बनेगा शिवराज सिंह जी चौहान की लीडरशिप में, इतिहास बनेगा त्योथर में सबसे भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी सर जीते। क्षेत्र के क्या क्या मुद्दे रहेंगे? क्षेत्र के जिन मुद्दों पे मैं ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ वो स्वास्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और ऐसे संस्थान आए जिससे युवाओं को क्षेत्र में नौकरी मिले। इसकी शुरुआत हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घूमा में इंडस्ट्रियल फूड पार्क लाके कर दी है। मुख्यमंत्री जी त्योथर को मध्य प्रदेश और यूपी का चूँकि ये गेट है, ये मध्य प्रदेश में एंट्री का गेट है, त्योथर और ख़ासतौर से चाकघाट नगर क्षेत्र जो है ये हमारे प्रदेश न केवल रीवा बल्कि प्रदेश का चेहरा है और इस चेहरे को हम चमकाने का काम करेंगे। जैसा कि आप भ्रमण पर हैं इस समय और 17 नवंबर को मतदान होने वाला है, बीजेपी की आप बता रहे हैं सबसे ऊपर रहेगी और कांग्रेस और बीएसपी कितने नंबर पर रहेगी? विधानसभा 70 नंबर है और हमारा बड़ा क्लियर लक्ष्य है इस बार 70 पार। हम 70,000 मतों से ज्यादा मत इस विधानसभा चुनाव में पाएंगे।